नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल तैयारी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। साथियों, मध्य प्रदेश में जिस भर्ती का सबसे लंबे समय से इंतजार हो रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, उसके संदर्भ में न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही, जैसा कि विभागों द्वारा जानकारी दी गई है, उसी संबंध में लगभग 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद संभव है कि 2024 में MPSI MPASI की भर्ती हो सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि हमारे सामने ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें भी ये जानकारी छपी है कि ESB 7 साल बाद होगी SI ASI और महिला पर्यवेक्षक की भर्ती, जो कि अंतिम बार मध्य प्रदेश में 2017 में आयोजित हुई थी। उसके बाद से ये उम्मीद थी कि विधानसभा चुनावों के आसपास ये होगा 18 में, और उसके बाद भी लगातार समय गुजरता गया, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन संभावना है, ठोस प्रबल संभावना है कि 2024 में MPSI की भर्ती हमें देखने को मिलेगी। तो क्या है इस न्यूज में, उसको हम पढ़ के आपको बताते हैं कि MP पुलिस में SI और महिला पर्यवेक्षक की 7 साल पहले भर्ती हुई थी। हम सभी को मालूम है 2017 में ये भर्तियां आयोजित की गई थी, उसके बाद अब ये बम्पर भर्ती होनी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ESB ने वर्ष 2024 के लिए आगामी 9 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। जैसे कि अभी हालिया दिनों में ESB ने अपना कैलेंडर जारी किया था, जिसके माध्यम से भर्ती परीक्षाओं की जानकारी दी थी। उसी के संदर्भ में इसमें 4 एंट्रेंस टेस्ट और 1 सिलेक्शन टेस्ट, 4 भर्ती परीक्षा शामिल है। जैसे कि एंट्रेंस परीक्षा भी लेता है ESB, PAT, PPT इस टाइप की जो भर्ती एंट्रेंस परीक्षा लेती है, इसके अतिरिक्त 4 भर्ती परीक्षाएं भी शामिल है। हालांकि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर 2 महीने देरी से जारी हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव के कारण विभागों से समय पर प्रस्ताव नहीं मिले थे, जिसके कारण परीक्षा का कार्यक्रम जनवरी की जगह अप्रैल में जारी हुआ था। अमूमन यह होता है कि साल के प्रारंभ में जनवरी में कैलेंडर जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो कि विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हुए थे 2023 में अक्टूबर नवंबर में, उसके कारण विभागों से पद को लेकर प्रस्ताव नहीं हो पाए थे, इसलिए स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी, जिसके कारण ये अप्रैल में जारी किया गया कैलेंडर। अभी कुछ दिन पहले ये कैलेंडर आया था ESB द्वारा, जो शेड्यूल के अनुसार अगस्त में स्पोर्ट्स, डांस और म्यूजिक टीचर के लिए माध्यमिक और प्राइमरी स्तर पर सिलेक्शन टेस्ट होगा, वहीं माध्यमिक शिक्षा के लिए भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में भी फिलहाल वैकेंसी नहीं निकली है, इसके पदों के लिए लास्ट में एग्जाम वर्ष 2017 में हुए थे, उसके बाद ये भर्ती नहीं निकली है। वर्ष 2020 में हुई परीक्षा के बाद से उम्मीदवार पद वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग में लास्ट भर्ती 2018 में हुई थी, 6 सालों के रिटायरमेंट के बाद कई पद खाली हो चुके हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि 2016-17 तक एक भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक बहुत अच्छी परिस्थिति मध्य प्रदेश के संदर्भ में थी, जिसे देखते भी कई युवा अपना भविष्य बनाने के लिए इस फील्ड की ओर अग्रसर हुए थे, और लगातार भर्ती परीक्षाओं के लिए उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और अपने गोल्डन समय को, अपने बहुमूल्य समय को इसमें निवेश किया। लेकिन उसके बाद अचानक परिस्थितियां बदली, जैसे कि 2018 में सरकार का चले जाना और कोविड काल, रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 करना, ऐसे बहुत से कारण भी रहे। उसके बाद से ये धीरे धीरे भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार निरंकुश नजर आई और भर्तियों का ग्राफ नीचे गिरता गया, भर्तियां समय पर नहीं हो रही है। ऐसा करते करते आज 7 साल निकल गए। इन भर्ती परीक्षाओं का जो कार्यक्रम जारी हुआ है, भर्ती परीक्षाओं के शेड्यूल के अनुसार अगस्त में ग्रुप 3 उपयंत्री और अक्टूबर में ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 मेडिकल सोशल वर्कर भर्ती परीक्षाओं की, जैसे ही कैलेंडर में दिया गया है। वहीं नवंबर में ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 स्वच्छता निरीक्षक नगर पालिका में, और दिसंबर में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती होगी। ये कैलेंडर के माध्यम से दिया गया है, जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। इन भर्तियों के लिए कभी परीक्षा ही नहीं हुई, जैसे कि स्कूल के लाइब्रेरियन जो होते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक, हॉस्टल वार्डन जैसे पदों पर कभी भर्ती ही नहीं हुई है। इन पदों पर शिक्षकों को ही भेज दिया जाता है, जिसका असर नियमित पढ़ाई पर पड़ता है। कुछ ऐसे प्रमुख पद है, जैसे स्कूल का लाइब्रेरियन हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, ऐसे प्रमुख पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, इसके लिए भर्ती के कभी आवेदन नहीं लिए गए। अमूमन शिक्षकों को ही इन पदों पर भेज दिया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और व्यवस्था प्रभावित होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में एक अच्छी न्यूज देखने को मिलेगी और सरकार जल्द ही SI भर्ती परीक्षा के संदर्भ में ध्यान देगी और मध्य प्रदेश SI सब इंस्पेक्टर परीक्षक को आयोजित करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।